यूपी उपचुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच अभी तक नहीं आई बीजेपी की सूची। दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बाद अब झारखंड, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जितना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी का जो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे। बता दें कि उपचुनाव के लिए सपा ने तो अपने 6 प्रत्याशियों को उतार दिया है, लेकिन बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन कर रही है, वो लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए इतना लंबा समय लग रहा है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी की लगातार बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात हुई, दोनों की मुलाकात अहम मानी जा रही है। वहीं अब दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच गए, वहां बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची पर फिर पेच फंसता नजर आ रहा है, इस वजह से सूची कल भी जारी नहीं हो पाई। इसकी वजह प्रयागराज के फूलपुर सीट पर सपा कांग्रेस के बीच बदले समीकरण को माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सपा ने इस सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब यह सीट कांग्रेस को देने की चर्चा जोरों पर है। इसे देखते हुए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची रोक ली। इस बीच विपक्ष के भीतर बदले समीकरण को देखते हुए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया, वो लोग दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा व महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ देर रात तक मंथन कर सूची को अंतिम रूप दिया। माना जा रहा है कि सूची जारी करने की तैयारी है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी फाइनल है, उन प्रत्याशियों को नामांकन की तैयारी के लिए फोन भी किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी सहयोगियों की वजह से बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी की एक ये भी वजह बताई जा रही है। जी हाँ, उपचुनाव के ऐलान से पहले हुई पार्टी बैठक में तय हुआ था कि 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी बीजेपी और 1 सीट सहयोगी आरएलडी को दिया जाएगा, लेकिन शायद बीजेपी और सहयोगियों के बीच सहमति अब नहीं बन पा रही है, इस वजह से देरी हो रही है। और इसको लेकर पार्टी ने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली भी बुलाया। वही बीजेपी के उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट घोषित न करने के पीछे मुख्य वजह सहयोगी दल ही, जहां एक तरफ आरएलडी 1 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, हालांकि उसको 1 सीट अभी तक बीजेपी ने दी है। वही निषाद पार्टी तो नाराज चल ही रही है, वो भी 2 सीटों की लगातार मांग कर रही है, जिसके लिए संजय निषाद भी लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि संजय निषाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनको 2 सीटें नहीं मिलती है और उनके सिंबल पर प्रत्याशी नहीं मिलता है तो वो भाजपा का सहयोग नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने भाजपा को बता दी है। सूत्रों की माने तो संजय निषाद किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं, पहले उन्हें समझाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी गई थी, उनसे मिले लेकिन वो नहीं माने, और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई, समझाया, उनसे मिले लेकिन फिर भी नहीं माने। केशव प्रसाद मौर्य भी उनसे मुलाकात की लेकिन फिर भी वो नहीं माने, और संगठन महामंत्री भी संजय निषाद से मिले लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे। तो इस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है और बीजेपी की लिस्ट में देरी पे देरी होती जा रही है। वही उपचुनाव को लेकर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, और ये उपचुनाव बेहद अहम है। उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और साथ ही दोनों नेताओं के बीच हाल के दिनों में जो दूरियां बढ़ी दूरियों को कम करने का भी प्रयास हो रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बैठक में क्या बातचीत हुई है, लेकिन कयास तो यही लगाया जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह निमंत्रण महज औपचारिकता है। तो एनडीए में लगातार घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि उपचुनाव में एक तरफ सत्ता पक्ष, जिसके सामने अपना जनाधार बरकरार रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सपा के लिए यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए यह साबित करने की चुनौती है
कि जो समर्थन उसे लोकसभा के चुनाव में मिला था वह बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तो फिलहाल 9 सीटों पर ही तारीख का ऐलान किया गया है। इसमें 9 सीटें कटेरी, करहल, सीसामोह, कुंदरकी, फूलपुर, मंजवा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर पर 13 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा की गई, जबकि मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई। इन 10 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी व 5 पर एनडीए गठबंधन का कब्जा था। भाजपा के खाते में 3, आरएलडी व निषाद पार्टी के पास एक एक सीट थी। तो अब इस उपचुनाव में यह देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता 27 में क्या चाहती है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, ये उपचुनाव उसका सेमीफाइनल है। जी हाँ, और बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में देरी कर रही है, इससे तो ये लग रहा है कि बीजेपी जो है इस वक्त घबराई हुई है लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जिस तरीके से नतीजे सामने आए, तो इस वजह से सोच समझ कर ही वो अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है कि तो ये जो 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है, ये 2027 का सेमीफाइनल है और ये बताएगा कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या है। इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो ये उपचुनाव बीजेपी के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जितना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया अलायंस का जो इंडिया गठबंधन है उसके हौसले इस वक्त बुलंद है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जी हाँ, लेकिन बीजेपी का जो हाल रहा लोकसभा चुनाव में, तो वो हाल वो नहीं चाहती कि जो है जो भी गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई वो गलतियां एनडीए और बीजेपी दोहराना नहीं चाहती है। इस वजह से सोच समझ कर ही प्रत्याशियों की सूची वो जारी करेगी, जिसकी वजह से लगातार बैठक हो रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं। अब इंतजार है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करती है और एनडीए में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा है वो कब सुलझता हुआ दिखाई देगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, आप देख रहे 4 PM।